वहीं जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां बंडला हाईवे रोड से अतिक्रमण हटाने का मामला सामने आया है। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कैंट बोर्ड कलेक्टर डायरेक्टर NHAI और PAWD को पार्टी बनाया है। सारे पक्षकार वस्तुस्थिति का जायजा लेकर जवाब करे पेश, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। अतिक्रमण हटाने को लेकर कोर्ट में बनी विरोधाभास की स्थिति। वहीं निगम ने कहा हट गया अतिक्रमण, याचिकाकर्ता ने कहा, तो वहीं अभी भी जमा है अतिक्रमण। जिलाधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एडवोकेट RK सिंह सैनी ने लगाई है याचिका। तो मंडला हाईवे रोड से अतिक्रमण हटाने का मामला आपको बता रहे, जहां अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कुमार इंदर संवाददाता जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो कुमार इंदर, मंडला हाईवे रोड से अतिक्रमण हटाने का पूरा मामला, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, पिछले कई दिनों से जो है इस हाईवे पर जो है सड़क के सेंटर मार्क से लेकर जो है 80 फुट तक का 40 फुट राइट जो है वो कब्जा हटाने का काम जो है वो प्रशासन को करना था, लेकिन कई बार कार्रवाई हुई, लेकिन कार्रवाई जो है वो संतोषजनक नहीं थी। कई बार अतिक्रमण की कार्रवाई हुई, उसके बाद भी कब्जा हुआ, लेकिन जब याचिकाकर्ता ने देखा कि जो 80 फुट का हाईकोर्ट ने आदेश भी किया था, उसके बावजूद ही 80 फुट की जो है अतिक्रमण नहीं हटाया गया सड़क, तो उसको लेकर जो अवमानना याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते कैंटोनमेंट बोर्ड के प्रशासक कलेक्टर और नेशनल हाईवे के जो है डायरेक्टर और उसके साथ ही जो है PHE के CE को जो है वो पक्षकार बनाया, साथ ही ये भी कहा है कि आपको जवाब दाखिल करना होगा कि आखिर अतिक्रमण की कार्रवाई की है पूरी कोर्ट में प्रस्तुत करे। तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार अतिक्रमण को लेकर जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं कोर्ट के कटघरे में आ गया है। अब देखना यह है कि प्रशासन अपनी तरफ से रिपोर्ट कब तक पेश करता है, जो बच्चे कुछ अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई होती है तो कब तक होती है, फिर से वही अतिक्रमण की चपेट में यह हाईवे आ जाएगा, क्या वही लोगों को परेशानी फिर से सामना करना पड़ेगा, ये अगली सुनवाई में जो है वो देखने को मिलेगा। कुमार इंदर, तो प्रशासन कब तक कार्रवाई की ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए कुमार इंदर।